फरीदाबाद के चंदावली गांव पर फ्लाईओवर की मांग को लेकर इलाके के लोग पिछले 10 दिनों से धरने पर हैं। इलाके के लोगों की मांग है कि दिल्ली से बड़ौदा तक बनाए जा रहे हाईवे की वजह से चंदावली कट पूरी तरीके से बंद हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार और NHAI को मिलकर चंदावली पर फ्लाईओवर बनाना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत मिल सके। तो वहीं इलाके के लोगों की मांगों का कांग्रेसी नेताओं ने भी समर्थन किया है। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे करण सिंह दलाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इलाके के लोगों की मांग को पूरा की जाए। वहीं करण सिंह दलाल ने बताया कि यदि सरकार ने लोगों की मांग नहीं मानी और चंदावली पर फ्लाईओवर नहीं दिया गया तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हमारी जीवन रेखा जैसा है, दिशा निर्देश पुल बनना बहुत जरूरी है और यहाँ के सरकार के जो चुने हुए नुमाइंदे वो शायद जनता की आवाज को नहीं सुनते या अपने क्षेत्र में नहीं घूमते, उनकी समस्याओं से अवगत नहीं रहते। सबको पता है कि कितने गांव का, सैकड़ों गांव का ये एक रास्ता है और शहर और गांव को मिलाने का एकमात्र पुल है और ये मेन रोड है। अब इसको कैसे बंद कर देंगे? वो अहंकार में है, जबकि खुद मंत्री को ये मालूम है, आपको जनता ने चुनकर भेजा है और उनकी जवाबदेही जबकि यहाँ की सरदारी खुद उनके पास गए और बातचीत की, हमें लेकिन आश्वासन देने के अलावा कोई काम आज तक किया नहीं, शुरुआत नहीं रहेगा हमारे सामने। लेकिन कर दिया और कहा कि भाई कल से पहले जब हमारी सरकार थी उस समय भी IMT के लिए 5 गांवों के लोग बैठे थे। बेशर्मों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं कमजोर हैं, कायर हैं, जो जिन लोगों ने उन्हें इस लायक बनाया कि वो सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने, आज उसी इलाके के एक से एक बड़े बुजुर्ग सभी 36 बिरादरी के लोग, बहन बेटियां या धरनों पर बैठी हुई हैं। और ये मांग अकेले इन लोगों की नहीं है, हमारे दोनों जिलों की मांग है। अगर ये पुल नहीं बना तो जो स्कूल कॉलेज को जाने वाले बच्चे, काम काज को जाने वाले लोग, दिनचर्या में आने जाने वाले लोग कहाँ जाएंगे? तो इस सरकार को बाज आना चाहिए और जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बने, एक बहुत बड़ा